हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान जूनियर इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट है 2020 में जो वैकेंसीज आई है उनके लिए इम्पोर्टेंट बुक्स बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक रीजन जो गलती मुझसे 2013 में इन एग्जाम के अंदर हुई थी, उनसे कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन इन डिपार्टमेंट के एग्जाम में नहीं हुआ था। तो इस रीजन को जानने के लिए और इन बुक्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो डिफरेंस है 2013 में और 2020 के इस एग्जाम में, वो डिफरेंस देखिए क्या है। 2013 के अंदर जो एग्जाम था वो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने खुद कंडक्ट करवाया था। अगर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी तो उन्होंने खुद वो एग्जाम कंडक्ट करवाया था। लेकिन 2020 में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये रिक्रूटमेंट करवा रहा है, तो दोनों के एग्जाम लेने के तरीके में डिफरेंस है। तो डिफरेंस देखिए क्या है। 2013 में जो एग्जाम हुआ था वो एसएससी जे लेवल का था, वो एसएससी जे लेवल के उसके अंदर क्वेश्चन थे। टेक्निकल के क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के थे, टेक्निकल के 80 क्वेश्चन थे और नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चन थे। टेक्निकल के 20 क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी पार्ट था उसके अंदर, थोड़ा न्यूमेरिकल भी अच्छे पूछे हुए थे, गुड क्वालिटी के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ओवरऑल पेपर एक अच्छा था, काफी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन थे उसके अंदर। लेकिन जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके अंदर नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन होंगे। दोनों में डिफरेंस देखिए, टेक्निकल को आप यहाँ पर क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं तो टाइम सेम है 2 घंटे का, दोनों में ये डिफरेंस है। और राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ही नहीं काफी ज्यादा नीचे होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल पार्ट को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। टेक्निकल ऐसा पेपर आएगा कि लगभग सभी, अगर 80 क्वेश्चन है तो 60-70 तो आप आराम से कर दोगे, टेक्निकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। टेक्निकल लाइक वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो दोनों के 2013 और 2020 में ये डिफरेंस है कि पेपर का लेवल नीचे होगा, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब बताता हूं आपको मैं बुक्स कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल पार्ट के लिए आईएएस मास्टर की जूनियर इंजीनियर की बुक है जिसके अंदर उसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। ठीक है, बुक अच्छी है, आपको जरूर करना चाहिए। सेम इसका एक और ऑप्शन है, आप सिविल की गोली के लिए भी है, इन्होंने भी एक बुक निकाल रखी है, पब्लिश कर रखी है एसएससी जे की, उसमें भी प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। आप दोनों में से कोई भी बुक प्रिफर कर सकते हो, दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, तो आपको जो अच्छी लगे उन दोनों में आप उस बुक को प्रिफर कीजिए। एक रिविजन के लिए जीके पब्लिकेशन की एक हैंडबुक है और एक सिविल की गोली की भी हैंडबुक है, आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, दोनों अच्छी बुक्स हैं, दोनों अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है सिविल इंजीनियर की, जिसमें सभी अदर स्टेट्स के जेई हो या फिर एई हो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके। ठीक है, आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं।
इन चारों में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप हैंडबुक को जरूर लें, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी रहेगी एग्जाम से पहले, तो इस बुक को भी आप जरूर लें। बाकी इन तीनों में से आपको जो बुक अच्छी लगे आप वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता के लिए बिल्कुल भी चाहिए हूँ। गुप्ता एंड गुप्ता बहुत पुरानी बुक हो चुकी है, 2012 से लेके 2015 तक ये बुक अच्छी थी, एग्जाम्स के अंदर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ये यूजलेस है। तो मैं कहूंगा कि आप इस बुक को यूज ना करें, इससे अच्छा इन सब बुक को यूज करें। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, आप आर एगोर को भी देख सकते हैं, एक आर एगोर की बुक है वो भी ठीक है। इस पेपर के एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप आर एगोर को भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों लेवल के लिए आप रेडी रहिए। अगर वन लाइनर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आप आर एगोर को देख लीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, और अगर पेपर चेंज होता है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाता है तो आप इन बुक्स को जरूर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो मुझसे गलती हुई थी एग्जाम के अंदर, और मैं चाहूंगा कि वो आप गलती ना करें और आप सिलेक्शन जरूर लें। वो जो रीजन था, वो रीजन था कि मैंने टेक्निकल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और नॉन टेक्निकल को बहुत लाइटली लिया था, मतलब बहुत हल्के में मैंने नॉन टेक्निकल को ले लिया था दोनों एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल को भी बराबर इम्पोर्टेंस दें। अगर आप टेक्निकल में 4 घंटे लगा रहे हैं तो आप नॉन टेक्निकल में भी एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जरूर लगाएं, तो ही आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा, वरना बहुत कम चांसेस है। टेक्निकल सभी बच्चे पढ़कर जाते हैं, सभी के सभी अगर 80 क्वेश्चन है तो 70-75 आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो मेन डिफरेंस क्रिएट करेगा और जो मेन आपको मेरिट के अंदर लेकर आएगा वो नॉन टेक्निकल का ही सब्जेक्ट होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल सीख ले, ध्यान में ले इस वीडियो की बात को, और नॉन टेक्निकल को बिल्कुल ध्यान से पढ़े तो ही आपका सिलेक्शन पक्का है, वरना टेक्निकल तो सभी बच्चे पढ़कर जाते हैं, जो नॉन टेक्निकल को भी अच्छे से पढ़कर जाएगा उसका सिलेक्शन कंपल्सरी है, होगा ही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।